हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं आमले की खट्टी मीठी लौंजी। तो चलिए शुरू करते हैं। आमले की लौंजी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 250 ग्राम आमला लिया है, जिसे हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम एक कुकर में आमले को डाल देंगे और इसमें आधे कप पानी डाल देंगे। अब हम कुकर के लिड को लगा देंगे और इसे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। हम आमले को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हमें आमले को उतना ही पकाना है ताकि इसकी जो कलियां हैं वो अच्छे से बाहर आ जाए। यहाँ पे हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच मंगरैल और 2 चुटकी हींग लिया है हमने। अब हम देख लेते हैं आमला जो है अच्छे से पका है या नहीं। तो यहाँ पर कुकर का प्रेशर भी जो है निकल गया है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आंवला जो है हमें जितना चाहिए उतना पक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो आंवला ठंडा हो गया है, अब हम इसकी कलियां जो है वो इस तरह से अलग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी कलियां बहुत आसानी से अलग हो जा रही हैं। तो हमने सारे आंवले की कलियों को इस तरह से निकाल लिया है। अब हम चलते हैं लौंजी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तो यहाँ पे सरसों का तेल लिया है मैंने। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें जो सूखे मसाले हैं वो यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसे कुछ सेकेंड के लिए तेल में पका लेंगे। अब हम इसमें आंवले को डाल देंगे, इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे हम एक बार सब अच्छे से मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पे 100 ग्राम गुड़ लिया है मैंने, उसे हम यहाँ पे डाल के अच्छे से मिला देंगे और 3-4 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि गुड़ जो है वो अच्छे से पिघल जाए पूरी तरह से। तो 3-4 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसे ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाया हमने, आप देख सकते हैं ये जो है पहले से ठीक हो गया है। अब हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे 1/4 छोटी चम्मच काला नमक डाल देंगे और इसे यहाँ पे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारी लौंजी जो है वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। अब हम इसे ढक देंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे लौंजी बनकर रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।